Hey guys, welcome back to my another video. आज मैं बना रही हूँ बटर पनीर मसाला, और ये आपको दिखा रही हूँ मैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये अदरक, लहसुन, चार टमाटर, तीन प्याज ली थी मैंने बड़ी बड़ी, और पनीर 250 ग्राम पनीर लिया था मैंने। अब आपने इसको जल्दी जल्दी से चॉप कर लेना है अच्छे से आपके हिसाब के अकॉर्डिंग। और हाँ, आपने काजू भी दिख रहे हैं आपको, मैंने काजू भी लिए थे। एक नींबू लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करने के लिए मैं थोड़ा डिप करूँगी इसको, नींबू डालूँगी इसमें, फिर मैं ऑयल डालूँगी थोड़ा सा। और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें नमक थोड़ा सा डाला, फिर हल्दी डाली, और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च थी वो मैंने डाला, और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये क्यों बना रही हूँ, हालांकि रमज़ान है और रमज़ान में कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता ही हम सब का, तो सोचा बना लेती हूँ। तब तक फटाफट में आप जैसा देख रहे हैं मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, तो मिक्स कर लेते हैं। आपको फटाफट से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। कुछ सूखी लाल मिर्च थी, तेज़पत्ता था, हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्ची, और फिर ये सब लिया मैंने। फिर थोड़ा सा मलाई भी लेना है जो हम बाद में गार्निशिंग में लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल के बाद मैंने बटर ऐड किया है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। भाई बटर क्यों डाला, तेल क्यों डाला, क्योंकि बटर जले नहीं, इसलिए मैंने पहले तेल डाला। और मीडियम, बहुत ही, जितना आपका गैस है ना उससे, उसका सबसे लोएस्ट वाले पे, मतलब लो कम जलानी है आपको। सीधी सी बात है, कहाँ इतना घुमा रही हूँ अभी, है ना। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हीट होने देते हैं, फिर मैं डालूँगी जितने भी मेरे खड़े सूखे मसाले थे, मैंने एक एक करके सब डाल दिए। आपको अगर उसमें समझ में नहीं आया हो तो आपको इसमें भी दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या डाला है, दालचीनी, काली मिर्ची, हरी इलायची, बड़ी इलायची, और लहसुन थे। लहसुन को मैंने चॉप नहीं किया, खड़े ही डाला, क्योंकि लास्ट में हमको रेसिपी पीसना ही है। तो जितना भी सब था ना मैंने सब डाल दिया इसमें, सबको एक साथ डाल दिया। हाँ, थोड़े से काजू भी लिए थे, काजू को भी सॉटे कर देना। और फिर प्याज डाल दी मैंने, प्याज को थोड़ी देर मैंने सॉटे किया। यहाँ पर मैंने गैस को हाई कर दिया था, हाई फ्लेम पर, ताकि वो जल्दी से फटाफट से सॉटे हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम आपने हाई कर देना है, क्योंकि स्लो चल रहा था। अब थोड़ा सा हाई कर दीजिएगा। अब उसके बाद टमाटर भी डाल दीजिएगा और अच्छे से सॉटे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक आपके हिसाब से, हालांकि बाद में भी रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डालना ज़रूरी है ताकि टमाटर अच्छे से सॉटे हो जाए। फिर और अभी उसे अच्छे से भुनने दिया है मैंने, जब तक ये ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए, आपको दिख नहीं गया हल्का सा पिंकिश कलर, तब तक आप इसे अच्छे से भूनते रहिए। मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा मुझे इतने लेवल तक का मुझे सॉटे करना था कि मतलब सब उसका जो छिलका है, प्याज टमाटर वगैरह का, सब उतर जाए, देखिए इस तरीके से। और फिर मैं इसे थोड़ी देर और करके बंद कर दूँगी, और इसे ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी जार में डालूँगी। सब पूरा ध्यान रहे कि जो भी कढ़ाई में जितना भी लगा हुआ है सब निकाल ले, ताकि अच्छे से फ्लेवर हम ला पाए अपने बटर पनीर मसाले में। अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड भी बिना पानी के करना पहले। अगर आपको नीड लगती है कि यार वो मिक्सी चल ही नहीं रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मिक्सी चल नहीं रही थी, तो मैंने सिर्फ 2 घूंट पानी डाला और वो अच्छे से फिर फाइन पेस्ट हो गया। देख सकते हैं आप, इस तरीके से अच्छे से फाइन पेस्ट कर लेना है।
मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना अच्छे से फाइन हुआ है ये, कोई लम्स ना रहे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो हमने काली मिर्ची वगैरह डाली थी ना, तो वो उसमें लंबे लंबे रेशे होते हैं और वो पिसाते नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने, मुझे पनीर भी थोड़ा सा सॉटे करना था, मैं कड़क नहीं करूँगी यहाँ पर पनीर को, मैं सिर्फ हल्का सा नरम ही रखूँगी। तो थोड़ा सा तेल डाल के मैंने सारे पनीर जो थे अपनी कढ़ाई में ही डाल लिए, क्योंकि मैं, मेरे पास नॉनस्टिक तवा नहीं है। और मेक श्योर अगर आपके पास हो नॉनस्टिक तवा तो आप बिल्कुल उस पर तलें, क्योंकि उस पर चिपकते नहीं हैं, कढ़ाई में चिपकने का डर रहता है। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसी में कर लिया, और सारे एक एक सभी जितना पनीर था मैंने सब डाल के उसको अच्छे से, इसको भी मैंने सॉफ्ट ही रखा है, ये ध्यान रखना। अब आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा क्रंची टाइप चाहिए, मतलब क्रिस्पी वगैरह कड़क चाहिए, तो आप ले सकते हैं, और मुझे इस टाइप से पसंद है तो मैंने इस टाइप से ही रखा है इसको। वीडियो को फास्ट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने हल्का सा उसको किया है। अब इसमें मैं डालूंगी तेल, थोड़ा सा तेल डालूंगी और थोड़ा सा बटर और डालूंगी, क्योंकि थोड़ा बटर हम पहले डाल चुके हैं, थोड़ा बटर मुझे अभी और चाहिए। लास्ट में भी मैं भी डालूं नहीं डालूं, बाकी बटर चाहिए, क्योंकि बटर पनीर बना रहे हैं तो बटर काफ़ी अच्छा चाहिए हमें इसमें। अब इसमें मैंने डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसको धीमी आँच पर ही रखना। मेक श्योर आपकी जो आँच है वो बहुत लो होनी चाहिए। अब लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई इसमें, कि मुझे ना एक पैकेट है, अब वो पर्सनली मुझे पसंद है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आपको इसी ब्रांड का लेना है। मेरे पास सुहाना का अवेलेबल था, मुझे अच्छा लगता है इसका, इंदौरी टेस्ट है इसका, तो मैंने इसे लिया है। इसे आधा पैकेट मैंने डाल दिया, आधा बचा लिया, सारा नहीं डाला, क्योंकि मेरे यहाँ कम तीखा खाते हैं। आप आपके अकॉर्डिंग तीखा ले लीजिएगा, इसमें सब कुछ डला हुआ रहता है पहले से मिक्स। अब थोड़ा सा मिर्ची को जलाना नहीं है, फटाफट से जैसे ही डाला आपने वैसे ही आपकी जो भी आप मिक्सी में ग्रेवी थी पीस के जो आपने रखी थी, आप उसे इसमें डाल दीजिएगा, ताकि आपकी जो मिर्ची है वो जले नहीं, और फटाफट से उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, लो आपने धीमी आँच पे ही रखना है, और अच्छे से जब तक पूरा मिर्ची का जो है उसमें मिल नहीं जाए तब तक आप उसमें रखो। इसमें थोड़ा सा जो मसाला था पैकेट का सुहाना वाला, वो मैंने थोड़ा सा और डाला, क्योंकि मैं बाद में दूध वगैरह और मलाई वगैरह डालूंगी, और बटर है ऑब्वियसली, तो वो घी और बटर वाली चीज़ें तीखेपन को मार देती है, तो वो बहुत ज़्यादा फीका हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। अब आप देख लो, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा भुनने के बाद थोड़ा सा दूध डाला है। दूध हमें लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एकदम से डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और फिर वो बहुत देर लगती है उसको भूनने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें प्लीज़। इंडियन मदर्स की आदत होती है कि हम जो कुछ भी रहता है, जो कुछ भी बचा चिपका हुआ रहता है, हम उसको पूरा सा साफ़ करके डाल लेते हैं, तो मैंने भी वही करा, थोड़ा सा दूध डाल के मिक्सी जार में ही दूध डाल लिया था, और उसको सब पूरा मिक्स कर दिया फटाफट से, मिक्स अच्छे से मिला दिया उसे मैंने। अब उसे पकने देते हैं, देख लीजिए मैंने 10 से 15 मिनट मेरे पकने के बाद ये इस तरीके से उसका जो ऑयल है उसने ऑयल छोड़ दिया, और इस तरीके से ग्रेवी मेरी पक चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है।
बीच में मैंने थोड़ा सा पानी डाल डाल कर उसको अच्छे से पकाया है, थोड़ा सा फास्ट कर लिया मैंने वीडियो यहाँ पर। अच्छे से चालते रहिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी करते करते थोड़ा सा जो गाढ़ा है उसको अच्छे से कर देना। मैंने बाद में ढक दिया था, ढकने के बाद देखो उसको और पकाया और वो अच्छे से उसने और तेल तरी छोड़ दी। करीबन मुझे इस ग्रेवी को पकाते पकाते आधा घंटा लग गया, हाँ आधा घंटा थोड़ा ऊपर हो गया था। इतना अच्छा उसको पकाना है तो ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा। अब काफ़ी देर तक अच्छे से पकाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा घर में ही जो सूखी मेथी होती है ना, कसूरी मेथी बोलते हैं उसे, वो अगर आपके पास पैकेट में हो कसूरी मेथी तो और भी अच्छा है, और नहीं हो तो आपके पास जो अवेलेबल है घर में, हम सुखाते ही हमारी मम्मी नानी दादी सब सुखा के रखते हैं, तो उसको क्रश करके आप उसमें डाल दीजिएगा। इससे थोड़ा अच्छा काफ़ी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। जो वो साइड में रखी हुई मलाई है उस मलाई को भी हमने थोड़ा सा डाल देना है ताकि और मज़ेदार सा बटरी फ्लेवर उसमें आ जाए, और उसके बाद आप इसके ढक कर रख दीजिएगा। अब इसके बाद हम पनीर डालने की बारी आती है। जो भी हमने साइड से सोटे करके पनीर को रखा था वो सारा की सारा मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसके साथ थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज तक आके आपको अच्छे से पकाना है, करीबन आपको आधा घंटा तो देना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने गार्निशिंग के लिए कर, अब आप इसको और ढक दीजिएगा। नाउ लुक एट द टेक्सचर, सारा ऑयल भी उसने रिलीज़ कर दिया है। अब आपको ये रेडी टू सर्व है। अब फटाफट से आप इसको ऑयल वगैरह सब एक बाउल में निकाल लीजिएगा, और मज़े से घी की रोटी के साथ, आपको नॉन के साथ खाना है जिसके साथ खाना है बिल्कुल खाइए और मज़े लीजिए, और मुझे बताइए कि कैसा लगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे इतना अच्छे से भी आता नहीं है कैसे क्या करना है, तो होप आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और सपोर्ट कीजिए प्लीज़।